नमस्कार दोस्तों, आज की जो वीडियो का शीर्षक है कि अगर आपने कोई डिग्री, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट डिस्टेंस एजुकेशन से किया है तो वो रेगुलर के इक्विवेलेंट होगा। आप देख सकते हो सामने मेरे द्वारा आरटीआई है, आरटीआई नंबर 136/20/17 25 मई 2017 का। तो ये चिट्ठी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की ओर से आई थी, तो इसमें लिखा हुआ है कि MHRD मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट गजट नोटिफिकेशन 6/2/13 डेटेड 10/6/15 जो कि 25/7/2015 को छपा, उसमें ऑल डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट इंक्लूडिंग टेक्निकल एजुकेशन डिग्री डिप्लोमा अवार्डेड थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग मोड ऑफ एजुकेशन, तो वो जो है वो रेगुलर के बराबर है। अब तीसरे पैरे में जाइए, वहाँ लिखा है डिग्री अक्वायर्ड थ्रू डिस्टेंस एजुकेशन मोड आर रिकॉग्नाइज्ड फॉर द पर्पस ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन सेंट्रल गवर्नमेंट। अब तीसरा पैराग्राफ भी आप देख सकते हो कि आपने अगर डिग्री डिस्टेंस एजुकेशन मोड में पत्राचार के द्वारा ली है तो सेंट्रल गवर्नमेंट में एम्प्लॉयमेंट के लिए आप पात्र हो। तो दोस्तों, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि हमने डिस्टेंस एजुकेशन में कोर्स किया है, और कोई पूछता है रेगुलर क्या डिस्टेंस एजुकेशन बराबर है। कहीं तो ये भी पूछते हैं कि NIOS नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग और वो जो रेगुलर बोर्ड है उनके बराबर है। भैया बराबर है, आप देख ही सकते हो MHRD का गजट नोटिफिकेशन। इसका मतलब जो भी आपने डिस्टेंस कॉरेस्पोंडेंस पत्राचार द्वारा कोई डिग्री डिप्लोमा सर्टिफिकेट किया है सब्जेक्ट टू कंडीशंस, वो रेगुलर कोर्सेज के बराबर है। तो ये आपके लिए RTI आपके सामने पड़ी है, आप इसको चेक कर सकते हो, हमारी वेबसाइट paramedicalindia.com पे भी देख सकते हो। और दूसरा, अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना हमारा चैनल बाबा दीप सिंह इंडो अमेरिकन इंस्टीट्यूट चैनल। और ये इंस्टीट्यूट RTI अलाइड हेल्थ और नैनी कोर्स और पता नहीं कितने ज़्यादा हम कोर्स करवाते हैं और RTI में अवेयरनेस क्रिएट करते हैं ताकि लोगों के वहम, भरम और मिथ बस्ट करने के लिए। मिथ होता है कि झूठ को स्लैश करना, मिथ बस्टर्स हैं हम आपके अवेयरनेस के लिए। ये एक एजुकेशनल वीडियो थी, धन्यवाद।